अस्सलाम वालेकुम क्रिप्टो लवर्स, आज मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूँ कि कैसे आपने बी नेटवर्क को, मैंने कि आपका जो वॉलेट होता है वो कैसे आपने मिसेस ब्रोजर के एक्सटेंशन में यूज़ करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो दूसरी भी एक्सटेंशन आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। आपने ऊपर मोर वाले बटन पर क्लिक कर देना है, मेटामास्क वॉलेट हो गया, ओकेएक्स वॉलेट, फैंटम वॉलेट, केपलर वॉलेट, यहाँ पर आपको सारे वेब थ्री डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है, मिसेस ब्रोजर आपने हमेशा यूज़ करना है क्योंकि ये बेस्ट होता है। यहाँ पर आपको जितने भी डिसेंट्रलाइज्ड वेब थ्री के क्रिप्टो के वॉलेट होते हैं आपको इजीली मिल जाते हैं एक ही जगह पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी लोडिंग ले रहा है, नीचे आप देख सकते हैं ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट वॉलेट, बिटगेट वॉलेट, ओकेएक्स वॉलेट, कोइन 98, ठीक है, crypto.com, ये जितने भी वॉलेट है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बाइनास का वॉलेट होगा या कोई किसी भी वॉलेट के अंदर आप इसका विड्रॉ ले सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन होगा बी वॉलेट का, ठीक है, नहीं तो आपने ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी वॉलेट, आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही मैं बी वॉलेट पर कनेक्ट करूंगा इसकी मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, पहले भी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की थी, अगर अभी तक आपने बी नेटवर्क मैंने आपको ज्वाइन नहीं किया तो नीचे आपको लिंक और रेफर कोड प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आपने रजिस्टर करके आपने डेली माइनिंग करते रहना। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने क्लिक कर देना ऐड टू क्रोम पे। अगर अभी तक आपने बी नेटवर्क को माइनिंग ऐप की केवाईसी वेरिफिकेशन नहीं की तो उसकी वीडियो भी मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आपने देख के बी नेटवर्क माइनिंग ऐप की केवाईसी वेरिफिकेशन भी कर लेनी है। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जितनी भी एक्सटेंशन आप यूज करोगे, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट जितने भी होते हैं वेब थ्री क्रिप्टो के, यहाँ पर आपको सारे वॉलेट शो हो जाते हैं। ठीक है, अभी जैसे बी वॉलेट हो गया, मेटामास्क वॉलेट हो गया, बिटगेट वॉलेट हो गया, ठीक है, सारे जितने भी वॉलेट होते हैं क्रिप्टो के सारे आपको ऊपर शो हो जाएंगे एक ही जगह पर। ठीक है, क्योंकि अभी कीवी ब्रोजर के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वैसे कीवी ब्रोजर इससे बेस्ट है क्योंकि वो तेज चलता है लेकिन ये थोड़ा बहुत लोडिंग लेता है, लेकिन ये बेस्ट है क्योंकि ये यहाँ पे क्रिप्टो की सारी एक्सटेंशन एक ही जगह पर मिल सकती है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने प्ले स्टोर पर बी वॉलेट सर्च करना है। अभी देखो ये बी नेटवर्क की बी वॉलेट है, ठीक है, इसी के अंदर ही बी नेटवर्क का वॉलेट है, ये भी दूसरे वॉलेट की तरह ये भी बिल्कुल सेफ हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर आपको एक ऑप्शन शो होगा, ये जितनी भी एक्सटेंशन होगी ऊपर आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे ऊपर आप देख सकते हैं ओकेएक्स वॉलेट, बी वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट, सारे वॉलेट आपको एक ही जगह पर यहाँ पर शो हो जाएंगे। आपने जैसे ही बी वॉलेट पर कनेक्ट करना है यहाँ पर आप कनेक्ट करोगे, ठीक है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो होगा बी वॉलेट के अंदर, यहाँ पर आप विड्रॉल कैसे करोगे, आप अपने टोकन को सेल कैसे करना है, सब कुछ आपने वीडियो को देख के समझ लेना। ठीक है, और कैसे आप विड्रॉल करके स्वैपिंग करोगे, कन्वर्ट करोगे दूसरे किसी भी वॉलेट के अंदर, आप अपने टोकन को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो होगा स्कैन टू लॉगिन का, ठीक है, अब ये स्कैन कहाँ से होगा, आपके बी वॉलेट से। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डोंट नो हाउ टू स्कैन, तो यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन होगा चेक केयर का, आपने चेक केयर पे क्लिक कर देना, ऊपर आप देख सकते हैं ओपन बी नेटवर्क ऐप। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको एक ऑप्शन होगा गो टू स्क्वायर, ठीक है, और तीसरे नंबर पे यूज टू टूल टू स्कैन, यहाँ पर आपको बी नेटवर्क माइनिंग ऐप की जो एप्लीकेशन होगी वहां पर आपको स्कैन का ऑप्शन होगा। ठीक है, मैं आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूं। सिंपल प्रोसेस है, जैसे हम लोग कोई स्कैन करते हैं ना कोई भी चीज होती है, ऊपर देखो आप लोग ने बी नेटवर्क माइनिंग ऐप की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको स्कैन का ऑप्शन होगा ना वॉलेट के अंदर, बी नेटवर्क माइनिंग ऐप के अंदर आप आओगे ना, नीचे आपको एक ऑप्शन होगा वॉलेट का, ठीक है, ये स्कैन करोगे। ठीक है, मैं आपको नीचे भी दिखाता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं डोंट नो हाउ टू स्कैन क्लिक केयर, तो आप जब यहाँ पर क्लिक करोगे वो पूरा आपको प्रोसीजर बता देगा कि कैसे आपने बी नेटवर्क माइनिंग ऐप की उसको वॉलेट को कनेक्ट करके अपने विड्रॉल करना है। ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं अभी देखो ये मैंने दो मोबाइल ओपन कर लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने वॉलेट वाली जगह पे जाता हूँ। ठीक है, ये देखो ये मैं वॉलेट वाली जगह पे जाता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये माइनिंग स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर मैंने ये वॉलेट वाली जगह पे जाता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं वॉलेट पर कनेक्ट करता हूँ, कलेक्ट करता हूँ ना, यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर आपको एक ऑप्शन होगा स्कैन का, आपने इसको अलाउ कर देना है। जैसे ही आप अलाउ करोगे तो देखो मैंने दो मोबाइल ऑन कर लिए। ठीक है, आपने जिस भी मोबाइल के साथ कनेक्ट करना है उसके साथ आपने स्कैनिंग कर लेनी है। ठीक है, आपने बी वॉलेट की एक्सटेंशन को कैसे यूज़ करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्कैन का बटन आपको शो होगा। ठीक है, ये देखो ये मैं स्कैन करता हूँ, जैसे हम जीपीआई वगैरह दूसरी चीज़ें स्कैन करते हैं ये भी सेम उसी तरह की स्कैनिंग है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी नेटवर्क मैंने आपका जो वॉलेट एक्सटेंशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉग इन ऑथराइजेशन। ठीक है, ये कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों वॉलेट के अंदर सेम वॉलेट यूज़ हो रहा है। ठीक है, बी वॉलेट बी नेटवर्क का खुद का वॉलेट हो गया। ठीक है, और बी वॉलेट की एक्सटेंशन आप देख सकते हैं दोनों के अंदर, इधर भी आइस का टोकन आपको शो हो रहा होगा, उधर भी, ये मैंने बीएनबी की ब्लॉकचेन के अंदर इसको कस्टम टोकन को इम्पोर्ट किया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों के सेम वॉलेट यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ये दूसरे मोबाइल पर यूज़ करने के लिए आपको ईजी लगेगा, लेकिन आप खुद एप्लीकेशन के अंदर वॉलेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों एक्सटेंशन यूज़ करने का फायदा ये होता है कि आपको एक ही ब्राउजर के अंदर सारी एक्सटेंशन मिल जाती है, जैसे मेटामास्क वॉलेट की एक्सटेंशन, ओकेएक्स वॉलेट की एक्सटेंशन, बिटगेट वॉलेट की एक्सटेंशन होगी, बाइनास की एक्सटेंशन होगी, ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट की एक्सटेंशन होगी, जितनी भी आप एक्सटेंशन यूज करोगे आपको एक ही जगह पे एक्सटेंशन मिल सकती है। ठीक है, ऊपर आप देख सकते हैं बीएनबी स्मार्ट चेन पे मैंने आइस के टोकन को इंपोर्ट किया हुआ, नीचे आपको इंपोर्ट का टोकन भी शो होगा, इंपोर्ट टोकन का ऑप्शन शो होगा आप, और आप देख सकते हैं कि बीएनबी स्मार्ट चेन मैंने बीएनबी स्मार्ट चेन को ऐड किया हुआ, आप यहां पर देख सकते हैं आर्बिट्रम 1 हो गया, फैंटम हो गया, वलांची हो गया, और नीचे पॉलीगोन मेन नेट हो गया, बाइनास स्मार्ट चेन, मैंने अभी बीएनबी स्मार्ट चेन को ऐड किया हुआ। अगर आप कस्टम नेटवर्क भी ऐड करना चाहते हैं तो प्लस वाले बटन पर क्लिक करके आप कस्टम नेटवर्क भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसकी वीडियो मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा आप इंपोर्ट टोकन पे क्लिक करोगे, अभी देखो जब ये बी वॉलेट का विड्रॉल होगा तो ये बीएनबी की स्मार्ट चेन पे होगा, हम इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है ना इंपोर्ट टोकन पे क्लिक करके इसको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको दो ऑप्शन शो होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका डिपॉजिट एड्रेस है,
जो आपका डिपोजिट एड्रेस होगा उसके बाद आपने सेंड पे क्लिक कर देना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर सेंड पे आओगे, आप यहाँ पर जो बी आपको बी के टोकन होंगे ना, बी के टोकन आई वांट टू सेंड, यहाँ पर आप बीएनबी भी सेंड कर सकते हैं, आइस हो गया। और जब आप इंपोर्ट करोगे बी का खुद का टोकन, जब इसका कस्टम टोकन आ जाएगा तो हम इसको इस सेंड टू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद अमाउंट लिखेंगे जितने भी हम सेंड करना चाहते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आप इसका विड्रॉल ट्रस्ट वॉलेट में, ओकेएक्स वॉलेट में, मेटामास्क वॉलेट में, बाइनांस के वॉलेट में, हर जगह जहाँ पर भी आप चाहोगे वहाँ पर ये लिस्टेड होगा, उधर आप विड्रॉल इसका कर लोगे। जैसे हमने अभी आइस का विड्रॉल लिया था मेटामास्क वॉलेट से दूसरे एक्सचेंजेस के अंदर, उसके बाद यहाँ पर आप थ्री डॉट पे क्लिक करोगे राइट साइड पे, आप इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं। जब आप लॉग आउट करोगे तो फिर आप ऊपर देख सकते हैं प्रीमियर अकाउंट, ये आपको वॉलेट ऑलरेडी बना हुआ मिल चुका है, ठीक है। अगर आप और वॉलेट बनाना चाहते हैं, अभी आपको जरूरत नहीं है, आपने प्रीमियर अकाउंट ही आपने यूज़ करना है। ये जो आपका प्रीमियर अकाउंट होगा ना, वही आपका वॉलेट बना हुआ है समझो ऑलरेडी। आपने अपने प्रीमियर अकाउंट को सेफ कैसे रखना है, ऊपर आप देख सकते हैं आपको राइट साइड पे ये आपको थ्री डॉट शो हो रहे हैं, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। और नीचे अब ये जो आपको पहला ऑप्शन शो हो रहा है, ये आपका ये डाउनलोड क्यूआर कोड, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको ऑप्शन शो हो रहा है, ये आपका डिपॉजिट एड्रेस है, नीचे आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट प्राइवेट की आपने, बी नेटवर्क मैंने कहा आपकी प्राइवेट की आपने लाजमी सेफ रखनी है, इसके अभी फेरस तो नहीं है, 12 फेरस जो होते हैं, लेकिन ये आपने प्राइवेट की आपने लाजमी सेफ कर लेनी है, जहाँ पर भी आप सेफ रखो, ये आपसे गुम नहीं होनी चाहिए। ऊपर आप देख सकते हैं नेवर डिस्क्लोज दिस आई निमान विद योर अकाउंट, कि भाई ये आपने किसी को भी नहीं देनी, नहीं तो आपका अकाउंट भी वो मतलब हैक कर लेगा जिसको भी आप दोगे। ये वाले वेब थ्री के जितने भी वॉलेट होते हैं उसकी शो प्राइवेट की पे आपने क्लिक कर देना है, आपने ये वाली प्राइवेट की आपने किसी को भी नहीं देनी, जहाँ पे भी आप सेफ रखो इसको आपने सेव कर लेना है, ऊपर आपने कॉपी कर लेना है दिस इज योर प्राइवेट की, ये वाली आपकी प्राइवेट की है, इसको आपने सेव कर लेना है और जहाँ पे भी आप सेफ रखोगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका वॉलेट सब कुछ आपका सेफ हो चुका है, ठीक है। अब मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूँ कि इसका विड्रॉल कैसे होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर हम सिलेक्ट करेंगे इसकी नेटवर्क, ये बीएनबी स्मार्ट चेन पे उम्मीद है यहाँ पर ही लॉन्च होगा बीएनबी की ब्लॉक चेन पे। और नीचे जैसे मैंने आइस के टोकन को इम्पोर्ट किया हुआ है तो बी के टोकन को भी हम इम्पोर्ट कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो के अंदर फुल प्रोसेस समझ आ चुका है कि कैसे आपने बी नेटवर्क मैंने कहा आपके टोकन को विड्रॉल करना है, सेल करना है, कैसे आपने स्वैप करना है, सेंड करना है, सब कुछ आपको इसी वीडियो के अंदर समझ आ चुका है कैसे आपने विड्रॉल करना है। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लेना। अगर आप टॉप बेस्ट फ्री क्रिप्टो माइनिंग ऐप्स पे वर्क करना चाहते हैं तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा।